उत्तर प्रदेश के रामपुर से खबर है, जहां जिला रामपुर पहाड़ी गेट पर काफी समय से बाजार के मैदान में कूड़ा करकट इकट्ठा हो गया था, जहां उस कूड़े से उस स्लिप के नीचे जो नाला चल रहा था वो भी जाम हो चुका था। कूड़ा काफी हद तक बहुत बढ़ चुका था और वहां के कुछ लोगों ने प्रधान जफर के साथ आवाज उठाई, जिसे प्रशासन को अवगत कराते हुए इस पर सब लोगों ने मिलजुल कर और एक दूसरे की मदद करते हुए इस कार्य को संपन्न किया, जिस पर आज डीएम साहब ने कार्यवाही करते हुए इस नाले की सफाई के आदेश दिए और इसमें 3 मेन होल बनवाने के आदेश दिए, जिसके जरिए नाले की सफाई और उस कूड़े को वहां से साफ किया जा सके। ये नगर पालिका द्वारा जो ये मैन होल किए जा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपको मालूम होगा कि आपके माध्यम से एक हफ्ता पहले एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि यहाँ के मुकामी लोगों ने शिकायत की थी कि बहुत ज़्यादा कचरा नाले की सफाई हुई और गंदगी उसके घर आगे डाल दी गई थी। उसको लेकर के मैंने एक वीडियो वायरल यहाँ से कराई थी। प्रशासन ने संज्ञान लिया उस वीडियो का और वहाँ पर सफाई की गई। साथ ही साथ एक बड़ी समस्या बनी हुई है, यहाँ का एक स्लेब पहाड़ी गेट से लेकर के एक नाला आता है और एक तितरवाली पाखड़ से आता है, दोनों का नाला यहाँ पर आता है, लीक होता है। उस नाले का जो पानी है, यहाँ पर एक पुलिया बनी हुई, उसके ऊपर एक बराबर से स्लेब डाल रखा है। अब से पहले जिन्होंने ठेकेदारों ने स्लेब डाला था, धांधली के चलते हुए उन लोगों ने उसके अंदर जो झोला था वो नहीं खोला, शटरिंग थी वहीं के वहीं छोड़ दी और एक बड़ा सा बम्बा उसके अंदर छोड़ दिया गया, जिसकी वजह से बारिश का पानी जब भी कभी होता है ओवरफ्लो होने की वजह से वो इतना ओवरफ्लो होता है यहाँ के आसपास के मुकामी लोगों घरों में वो पानी घुस जाता है। साथ ही साथ यहाँ के जो लोग हैं उनको घरों के अंदर पिछले वर्ष भी काफ़ी सारे लोगों का गला खरों का नुकसान हुआ था। आपको याद होगा कि गत वर्ष कब्रिस्तान के अंदर भी पानी गया था, तो ये वही नाला है, इसको लेकर के हम लंबे टाइम से सवाल उठा रहे थे। आज